नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है। भाषण प्रतियोगिता केवल बेरोजगारी को लेकर ही आयोजित की जाएगी। ये कार्यक्रम 1 मार्च से 23 मार्च तक चलेगा, जबकि उत्तराखंड में भाषण प्रतियोगिता 1 मार्च से 12 मार्च तक की जाएगी। यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता दीपेश सिंह ने बताया कि जो इस कार्यक्रम में बेरोजगारी के ऊपर इफेक्टेड भाषण देगा, उसे राजनीतिक प्लेटफॉर्म भी दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को NRC लाने के बजाय अब NRU लाने की आवश्यकता है। 45 सालों में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। आज देश का युवा नौकरी मांग रहा है, इसलिए हम कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि कहीं ना कहीं NRU लाया जाए, एक ऐसा राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार किया जाए जिसमें बेरोजगारों के बारे में जानकारी हो। आपने प्रधानमंत्री जी ने कौशल योजना चालू करी, 90 दिन के बाद किसको रोजगार मिला नहीं पता। 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को आप रोजगार देने की बात करते थे, आज उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। आप देखो देहरादून में कोई लोग कहीं ना कहीं प्रशिक्षण लेके कहीं ना कहीं सड़कों पर सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। देश में बढ़ते वाहन प्रदूषण के चलते अब सरकार के द्वारा जल्द ही 1 अप्रैल से यूरो 6 गाड़ियों को सड़क पर उतारा जाएगा। इसके लिए बकायदा विभाग में कार्य भी शुरू हो चुका है। RTO दिनेश चंद्र पठोई ने बताया कि इसके लिए कंपनी अब सीधे यूरो 4 के बाद यूरो 6 गाड़ियां बनाकर सड़क पर उतारेंगी, क्योंकि इसके बीच में यूरो 5 की कोई भी गाड़ी नहीं है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बताया कि अब अप्रैल महीने से यूरो 6 के अलावा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इससे प्रदूषण में कमी के साथ साथ रख रखाव में भी कमी आएगी। देखिए, 1 अप्रैल से एक नए युग की शुरुआत हो रही है पूरे भारत में। माना प्रदूषण के मानक और कड़े होने जा रहे हैं, और यूरो 6 यूरो 4 के बाद आ रहा है, यूरो 5 शायद संभवतः नहीं है बीच में, तो और मानक बहुत कड़े हो गए हैं। और इससे दो चीज़ें फर्क पड़ेगी आम व्यक्ति को, हालांकि ये सभी लोगों को काफ़ी समय मिला है और काफ़ी आम जनता के बीच ये बात कई बार विचार विमर्श हो गया है, काफ़ी इसमें चर्चा हो चुकी है। चीन में कोरोना वायरस से अभी तक 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। उत्तराखंड में भी कोरोना वायरस को लेकर सभी सीमाओं पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी अस्पतालों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। दून मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस को लेकर दून अस्पताल पूरी तरह से तैयार नहीं है, जिसे लेकर शासन से लेकर देहरादून के DM तक दून मेडिकल कॉलेज के CMS डॉक्टर KK टमटा के द्वारा पत्र लिखा गया है। KK टमटा ने कहा कि उनके पास बजट का अभाव है और बजट के अभाव को देखते हुए 29 आइसोलेशन वार्ड ही बनाए गए, लेकिन अस्पताल में कम से कम 100 आइसोलेशन वार्ड होने चाहिए। कोरोना वायरस को लेके 3-4 चीजें बहुत महत्व रखती हैं। नंबर 1 कि मास्क का यूज, वो मास्क N95 के नाम से जाना जाता है, वो हमारे पास 2000 मास्क एट प्रेजेंट पड़े हुए हैं। हम 400 मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और 5000 मास्क की मैंने डिमांड कर दी है, क्योंकि कल के दिन मास्क की डिफिशेंसी भी पड़ जाएगी। दूसरा होता है PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्शन एग्जामिनेशन किट, वो किट मेरे पास पड़े हुए हैं 10, और मैंने उसमें 100 की डिमांड की है। अभी उसको हम अपने पास लेके रख लेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल करेंगे। राजधानी दून में पिछले दिनों एक ट्रैक्टर के इंश्योरेंस की जांच में इंश्योरेंस फर्जी पाया गया, जिसको लेकर RTO के द्वारा कार्रवाई भी करवाई गई। RTO दिनेश चंद पठोई ने बताया कि हमारे द्वारा जो इंश्योरेंस कंपनी सीधे हमारे विभाग से नेट पर लिंक है, उसके कारण जांच में वेरीफाइड करने पर कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन कुछ लोग वेबसाइट पर सीधे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, जिसका उनसे कोई भी लेना देना नहीं होता। भविष्य के लिए हम लोगों से अपील करते हैं कि वो इंश्योरेंस कराते समय वेबसाइट पर उसकी जांच जरूर करें। कुछ कंपनियां हमारे यहाँ वाहन से अपने आप को लिंक किए हुए हैं, जैसे उनके यहाँ से इंश्योरेंस जारी होता है 24 से 48 आवर के बीच में वो हमारे यहाँ अपडेट हो जाता है। 90% कंपनियां ऐसा कर रही हैं, तो उन लोगों के अगर डॉक्यूमेंट आते हैं तो हम वेरीफाई कर सकते हैं सर, लेकिन 8 से 10% कंपनियां ऐसी हैं अभी जिन्होंने अपना लिंक हमारे वाहन सॉफ्टवेयर में नहीं किया है। टिहरी में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने नरेंद्रनगर तहसील सभागार में विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल वी षणमुगम भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने नरेंद्रनगर विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों का फीडबैक भी लिया और विकास कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतने को भी कहा। जो विकास के काम है उनको गति मिल सके, जो जिला प्रशासन है वो जनता से उसकी दूरियां कम हो और जो सरकार की योजना है उनका ढंग से क्रियान्वयन हो सके, चीजों को लेकर तो सभी विभागों की जो गति है, चाहे वो बिजली विभाग हो, जल संस्थान हो, जल निगम हो और हमारे यहाँ इसमें काफ़ी सड़कें निर्माणाधीन हैं, जो पानी की पंपिंग स्कीम बहुत निर्माणाधीन है, इसके अलावा DMGSY में भी काफ़ी काम चल रहा है और साथ साथ जो बिजली घरों का बनना है,
सब स्टेशन जो निर्माणाधीन है इनकी गति को किस तरह से इनको टाइम बाउंड एक वो देकर के जल्दी पूरा किया जा सके। टिहरी जिले के अंतर्गत नगर पंचायत लंबगांव में नगर पंचायत के द्वारा कूड़ा बाजार से नीचे गदेरे में फेंका जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस तरह नगर पंचायत के द्वारा फेंके गए कूड़े से अब बीमारियों का खतरा भी पैदा हो गया। वहीं प्रशासन की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे नगर वासियों में आक्रोश भी व्याप्त है। वहीं इस मामले में नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को जब इस समस्या के बारे में बताया गया तो उन्होंने प्रशासन के द्वारा कूड़ा निस्तारण के लिए जगह आवंटित करने की बात कही। अभी तक जो है कूड़ा निस्तारण के लिए भूमि नहीं थी, अभी अभी हमको डीएम साहब द्वारा जो है जाखड़ी के नीचे ओणगड्ढा में 1.00 हेक्टर जमीन आवंटित की गई है, जिसकी डीपीआर हमें हमारे द्वारा शासन को भेज दी गई है। जैसे ही डीपीआर स्वीकृत होगी वैसे ही हम उस पर कार्य करना प्रारंभ। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।